अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश यादव उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार ने अयोध्या के लोगों की जमीन का मुआवजा नहीं दिया, झूठे मुकदमे लगाकर जमीनें छीनी गई, जो 100 साल से रह रहे थे उन्हें उजाड़ दिया गया, जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। वहीं शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवान के सेवक की जीत हुई है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा, उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का काम काज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे, और इन लोगों ने तो देखिए वहां पर हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर मान नहीं रहे थे उन्होंने हमेशा, और जो हमारा प्रत्याशी जीता है असली सेकुलर तब जीता है। और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जीत के बाद एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता राम के नाम पर पाखंड करते हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों के नाम राम से है। सुन लेते हैं एक बार। समाजवादी पार्टी से 9 बार के विधायक और इस बार के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, चूंकि आप नेताजी की कोर टीम में भी रहे, नेताजी अक्सर जो है आप लोगों से राय मशवरा लेते थे, ऐसा इस बार क्या चमत्कार हो गया कि पूरी जो लहर चल रही थी राम लहर, उसमें जो है फैजाबाद की सीटी बीजेपी हार गई, क्या कुछ आप लोग ने जो है प्लानिंग की थी? कोई प्लानिंग हमने नहीं किया था, ये तो जनता की महान कृपा थी, देवतुल जनता है जो मतदाता है उनकी थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मेरे उम्मीदवारी का चयन किया है, सामान्य सीट है अयोध्या और मैं रिजर्व कैंडिडेट के रूप में आता हूँ, आई बिलोंग शेड्यूल कास्ट, मेरी सब कास्ट पासी, तो उन्होंने उस सीट पर मुझे सेलेक्ट किया, चुना और चुनाव लड़ने का घोषणा किया। तो उनका जो निर्णय था, इस निर्णय को सारे मतदाताओं ने सराहा है, इवन पूरे देश ने सराहा है कि अखिलेश जी का निर्णय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, तो उनके प्रति हम बहुत आभारी हैं। और इसी बड़ी खबर पर विशाल पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अयोध्या आप कवर करते आए हैं और बहुत बारीकी से वहां की हर छोटी बड़ी चीज को समझते हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि यहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की अगर जीत हुई है तो वो सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा बड़ी वजह है, या जो आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि अयोध्या के लोगों के साथ उनकी जमीन ले ली गई, उनका घर तोड़ दिया गया, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, वहां घोटाला हो गया जमीन का, ये ज्यादा बड़ी वजह जमीन पर साबित हुआ? शोभना, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, अयोध्या में नहीं हूँ, लेकिन अयोध्या को लेकर जो सवाल है वो यही है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सोशल इंजीनियरिंग का रहा है, क्योंकि अयोध्या लोकसभा में पहली बार समाजवादी पार्टी ने SC समाज के पासी वर्ग के अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और लगभग 3 लाख से 3.5 लाख की संख्या में पासी मतदाता अयोध्या लोकसभा में है, और ये पूरा का पूरा वोट अब तक सभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास जाता था, लेकिन इस चुनाव में ये पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी का वोट भाजपा से हटकर समाजवादी पार्टी की तरफ गया, अयोध्या में भी उसका रुझान सपा की तरफ रहा, यानी कि पासी और कुर्मी समाज के वोटर्स में जो भाजपा को छोड़कर सपा की तरफ गए, उस वजह से बीजेपी अयोध्या लोकसभा हार गई है। हालांकि अयोध्या का जो शहरी इलाका है, जो अयोध्या विधानसभा है, वहां पर बीजेपी ने 4,500 वोटों से लीड ली है, लेकिन जो ग्रामीण हिस्से रहे हैं अयोध्या के, वहां पर बीजेपी को हार मिली है। तो यह कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग रही, जो टिकट वितरण रहा, उसकी वजह से अवधेश प्रसाद को अयोध्या में जीत मिली और बीजेपी को हार मिली है। विशाल, लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आसपास के इलाकों की जो सीट्स थी वो भी बीजेपी ने गंवाई है, इसकी क्या वजह? चलिए यहां ये सोशल इंजीनियरिंग हिट हो गई, लेकिन राम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी अगर राम मंदिर के आसपास के इलाके हारती है तो सवाल जरूर पूछा जाएगा, वजह क्या? देखिए शोभना, बिल्कुल आपने
बिल्कुल, अयोध्या सिर्फ जिले की सीट ही नहीं, अयोध्या मंडल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिसमें अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर जैसी सीटें हैं। इसे ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट, जो बीजेपी का सबसे बेस वोट माना जाता था, उसमें बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। चाहे आप अयोध्या के आसपास में कुर्मी वोटर्स को देखिए, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। अगर आप अखिलेश की गढ़ छोटे शब्दों में मुझे बता दीजिए, इसकी वजह क्या है, ओबीसी वोट बैंक क्यों छिटक गया? मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव का टिकट वितरण सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इस बिरादरी के लोगों को अखिलेश ने सबसे ज्यादा टिकट दिया और यादव मुस्लिम टिकट कम दिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आपका आंकलन भी मुझे ठीक लग रहा है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव के द्वारा की गई वो ज्यादा बड़ी वजह इस सफलता के पीछे है। Zee News.